खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी जिले के बैराड़ में पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कल पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बैराड़ में कृषि उपज मंडी में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह कांग्रेस कार्यकर्ता और अधिकारियों के साथ बैठक कर पत्रकार वार्ता करेंगे। ये जानकारी आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित की गई है। पत्रकार वार्ता में जिला संगठन प्रभारी रश्मि पवार द्वारा दी गई। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राम दुलारे, प्रेस वार्ता को कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा पर जमकर निशाना साधा। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 10 तारीख को हमारे नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पोहरी विधानसभा के बैराड़ कस्बे में आ रहे हैं। कल हमारा अनुमान है जो हमारी निर्धारित जो समात्मा हमने बैठा रखी इतने लोगों ने सुनने आएंगे, वही लगता है कि जो हमारी संख्या है उससे अनुमान से अधिक लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। मैं स्वयं मेरे ब्लॉक अध्यक्ष मेरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ, तो मुझे आपकी ही विधानसभा में छोटे छोटे गांव में जाकर मैंने एक नया शब्द सुना कि इस बार ये 35 गड़ोरी को हम वोट नहीं देंगे। ये आम लोगों की भावना है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व की भांति या कांग्रेस को पसंद करते रहे लोग, वोट देते रहे और ऐसे विधायक चुनते रहे, इस बार बम्पर वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। तो कल जो कमलनाथ जी का दौरा है तो सुनने में आया है कि अपने कांग्रेस प्रत्याशी पोहरी विधानसभा क्षेत्र में जो अपनी कद्दावर जनसंपर्क को लेकर अपने टिकट की दावेदारी को उनके समक्ष रखेंगे, तो इसके वजह से मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? लोग यहाँ सबका ही अब टिकट का समय है, लोग अपनी अपनी दावेदारियाँ कर रहे हैं। फिलहाल ये टिकट को लेकर नहीं है सभा, ये आम जन की कांग्रेस की एक सभा है, पार्टी की सभा है। मंडल सेक्टर को लेकर जो साहब की मंडल सेक्टर के प्रति विचार है, ये नीचे तक मंडल सेक्टर से कांग्रेस भी हम स्थिति को मजबूत करने का और पोलिंग बूथ तक पहुंचने का जो विचार है, और हमारे जो साथी गण हैं उनको साहब से 1-to-1 मिलने का मौका मिले, इस संदर्भ में ये पार्टी की बैठक है ना। और प्रत्याशियों का तो अब समय आ ही गया है, तो वो अपना अपना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद मंडल सेक्टर से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मंच पर आकर सभा करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। कई सारे लोग बीजेपी से, बीएसपी से अलग अलग पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करके कल कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। पौरी विधानसभा में आप अपनी पार्टी को किस तरह देख रही है, जिस तरह आने वाले जो चुनाव है? यहाँ की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और पोहरी में बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस है, हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में है। पहले भी कांग्रेस ने यहाँ पर पोहरी का हमारा कैंडिडेट जीता था, लेकिन उनकी अपने लालच के कारण वो चले गए थे। और यहाँ पर पोहरी की जनता जो है वो सदा से ही कांग्रेसी मानसिकता की है, और देखा कि जो एक बिकाऊ लाल बिक के दूसरी पार्टी में चले गए और उसके बाद जिस तरीके से जनता के हितों का हनन उनके द्वारा किया गया, उससे यहाँ की जनता बहुत ज्यादा दुखी है। और आगे आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस अपना परचम पोहरी में भी लहराएगी।